नमस्कार आदरणीय स्मृति जी, विवेक, कंचन, प्रोफेसर मकरंद, अशोक प्रधान जी जो थोड़ी देर पहले यहाँ थे, और अंकुर जी, और आप सबको भी मेरा अभिनंदन है। इतने बड़े लोगों के साथ मंच पर बैठने का मौका मिला, मेरी खुशनसीबी है, और आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, कुछ अपने मन की बात कहने का मौका मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैमरे के सामने आप बहुत बार सब कुछ नहीं बोल पाते। कैमरे हैं यहाँ लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा होगा। अच्छा, लाइव हो रहा है। विवेक को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ दूर बैठकर, क्योंकि विवेक के जो विचार हैं वो बहुत क्रांतिकारी हैं, और विवेक को मैं अक्सर स्ट्रगल संघर्ष करते हुए देखता हूँ। विवेक जैसे जो लोग हैं वो आज के ज़माने में अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कई बार विवेक को पता भी नहीं चलता तो भी मैं पीछे से विवेक को और उस विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूँ। उसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि आपको कहा जाता है कि आप एक बायस्ड जर्नलिस्ट हैं, फिर आपको कहा जाता है कि आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और राष्ट्रवादी होना ये देश में अभी अच्छी बात नहीं है। नेशनलिस्ट एक अजीब, नेशनलिस्ट अगर कोई आपको कह दे तो आपको लगता है कि आप पत्रकार नहीं हो, कोई गाली की तरह ही है। ये आपके पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठा रहा है कि आप नेशनलिस्ट कैसे हो सकते हो। तो विवेक ने जैसा कहा कि आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा होगा, हो सकता है वो नक्सलियों का समर्थक हो, लेकिन ये सही है आपकी। मैं कितनी बार ऐसा बैठा होता हूँ और मेरी बगल में जो व्यक्ति बैठा होता है वो आतंकवादियों का समर्थक होता है, वो अफजल गुरु का समर्थक होता है, वो स्टोन पेल्टर्स का समर्थक होता है, कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसका समर्थक होता है, और खुलेआम बड़े गर्व से कहता है कि मैं हूँ। और क्योंकि बुद्धिजीवी होने का यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए और आपको इस तरह की जो विचारधारा है वो रखनी चाहिए कि जो देखिए कश्मीर में भारतीय सेना कितने अत्याचार कर रही है। आप गए हैं कभी कश्मीर में? आपने देखा है? उन लोगों से जाके मिलिए, आप गाँव में जाके मिलिए कितनी बुरी हालत है, और वो आपको ये बताएंगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर किताब लिखेंगे और उन्हें अवार्ड मिल जाते हैं बड़े बड़े। इससे पहले तो पद्मश्री, पद्म विभूषण भी मिल जाते थे, बट विवेक आई कैन टेल यू ये बुक पे एक अवार्ड नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि जो व्यवस्था है बुद्धिजीवियों की, और जो आपको ऑथर का सर्टिफिकेट देंगे कि यू आर एक्ट नाउ यू हैव बिकम एन ऑथर, वो कभी नहीं मानेंगे इस किताब को, क्योंकि इसका नैरेटिव गलत है इस किताब का, और ये नैरेटिव के साथ आपको बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, बुद्धा इन्हें ट्रैफिक जैम पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा देश ही ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है इस वक्त, हमारे पूरे विचार जो हैं वो एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, विचारों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो जैम हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है कि इस देश में अभी कुछ भी करना बड़ा बहुत अजीब सी बात है। मतलब बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि इनटॉलरेंस, असहनशीलता, लेकिन मेरा दूसरा नैरेटिव है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं असहनशीलता और इनटॉलरेंस, एक्चुअली सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं को टॉलरेट कर रहे हैं, और मतलब ये बात तो हमारे जैसे लोगों को कहनी चाहिए कि अब इनटॉलरेंस हो रहा है। सो मैं पिछले हफ्ते बीबीसी के मिडल ईस्ट ब्यूरो चीफ हैं जेरेमी बाउल, उनको मैं मिला था, तो मैंने जेरेमी से पूछा, जेरेमी ने 20-25 साल मिडल ईस्ट में रिपोर्टिंग की और अभी भी वो वहीं से मिडल ईस्ट से जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप बीबीसी में काम करते हो 35 साल से, बीबीसी में, बीबीसी इज़ अ स्टेट फंडेड टेलीविजन चैनल, वहाँ आप ब्रिटिश सरकार के ऊपर किस हद तक सवाल उठा सकते हो, कितनी आज़ादी है आपको? तो जेरेमी ने मुझे कहा कि इफ़ इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द नेशन वी शुड सपोर्ट द कंट्री, बट अगर कोई पॉलिसी मैटर है जिससे सर्वाइवल का कोई मतलब नहीं है, देन वी डेफिनेटली क्वेश्चन द गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि इराक पर जब हमला हुआ था, नेटो फोर्सेस ने किया था और ब्रिटेन ने ज्वाइन कर लिया था, तो हमने ब्रिटिश सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए थे। लेकिन वहाँ से जो मैंने बात समझी वो ये है कि क्या हम इस बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल नाउ। सबसे बड़ी बात हमारे देश की यह है 70 साल के बाद अब हम फिर उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां आपको ये सोचना होगा कि अब आपके सर्वाइवल, इट्स अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल नाउ, क्योंकि ये 70 साल तो आप निकल कर आ गए, लेकिन अगले 70 साल आप क्या करने वाले हैं वो आपने कभी सोचा है? मैं अखबार में पढ़ रहा था अब से 10 साल के बाद दिल्ली की जो आबादी है वो 4.5 करोड़ होने वाली है, अभी हम 2.90 करोड़ हैं। 2001 के मास्टर प्लान पर चल रही है दिल्ली, जो 2018 में अभी हैं,
और 2021 का जो मास्टर प्लान है जो 3 साल के बाद आएगा, उस 2021 का मास्टर प्लान में ये लिखा है कि दिल्ली की आबादी 2,30,00,000 होगी 2021 में, और अभी दिल्ली की आबादी 2,90,00,000 है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। हम लोगों ने सारा जो जो इश्यूज़ हैं उनको एक दूसरी तरफ भटका दिया है। तो मैं जब अभी मीडिया का भी पोलराइजेशन हो गया है, या तो आप पार्टी ए हैं या पार्टी बी हैं, लेकिन पार्टी सी से मेरा मतलब है पार्टी सी इज़ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, पार्टी सी की कोई बात नहीं करता। सो इधर यू हैव टू बी, या तो आप सत्ता के पक्ष में हैं या सत्ता के खिलाफ हैं, दो ही रास्ते हैं आपके पास अगर आप जर्नलिज्म में हैं तो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सत्ता के साथ हैं, सत्ता के दलाल कहलाएंगे। और मान लीजिए आपने कह दिया कि बड़ी अच्छी रोड बनी है आज दिल्ली मेरठ की, बहुत अच्छी रोड है, आधे समय में डेडलाइन से काम हो गया, आप सत्ता की दलाली कर रहे हैं। और अगर आपने उसकी आलोचना की तो यू आर बीइंग फेयर, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपका तो धर्म है कि आप सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल जहां ज़रूरत है वहां सवाल उठाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत आजकल बहुत दिक्कत आ रही है सवाल उठाने में भी, क्योंकि हर सवाल को आप जज करके देखते हैं, लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल पत्रकार अपनी जान को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि जिन चीज़ों को वो जान का ख़तरा मान लेते हैं लोग, वैसे मुझे लगता है विवेक, हम लोगों को, विवेक को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, दिन भर में 50 ऐसे मैसेज आते होंगे जिसमें ये कहा जाता होगा कि भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मार देंगे तुमको। 50 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसे मैसेज आते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता, विवेक आपको आके ये नहीं कहेंगे कि मेरी जान को ख़तरा है इसलिए मैं बुक लिखना बंद कर दूंगा या मेरी बुक की वजह से मैं मारा जाऊँगा। नैरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में, हमारा नैरेटिव क्या है। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव है, अफजल गुरु को लेकर जो नैरेटिव है, नक्सलिज्म को लेकर जो नैरेटिव है, स्टोन पेल्टर्स को लेकर जो नैरेटिव है, बदकिस्मती से वो लोग एक अच्छा नैरेटिव तैयार करने में कामयाब हुए हैं और उनके नैरेटिव को लोग खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग दैट थ्योरी। और आज उन लोगों के प्रति मीडिया में, लोगों में एक सहानुभूति सी बन गई है। और जो इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होती हैं, उनके मन में आज उन ऐसे लोगों के प्रति एक सहानुभूति बन गई है जिसको हमें रोकना चाहिए। और रोक कैसे रोक सकते हैं, जब इस तरह की किताबें आएंगी, जब इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स आएंगे जो अवेयरनेस, जो उसको काउंटर करेंगे, तभी इस तरह की चीज़ रोकी जा सकती हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें और जोर लगाने की ज़रूरत है। तो नक्सल्स की तारीफ करना, टेररिज्म को सपोर्ट करना, टू क्वेश्चन द स्टेट, टू अटैक द स्टेट जैसे विवेक ने कहा, टू सपोर्ट द स्टोन पेल्टर्स, दिस इज़ फैशनेबल, ये आजकल एक अच्छी बात मानी जाती है। और अगर आपको बहुत जल्दी ऊपर जाना है अपने करियर में, खासतौर पर मीडिया में, पत्रकारिता में, एजुकेशन में भी, अगर अच्छा ऑथर बनना है, तो इनके पक्ष में आप एक दो किताब लिख दीजिए, प्रोग्राम करिए, फिर इसके साथ जान की खतरा का क्लॉज डालिए, तुरंत आप ऊपर जाएंगे। ये फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ दी मतलब अनबीटेबल फार्मूला है जो आजकल चल रहा है। JNU का जो इंसिडेंट हुआ था, सबसे पहले ये जी न्यूज़ ने उठाया था और हमने वो वीडियो दिखाया था। और उस दिन हुआ ये था कि हमारे एक रिपोर्टर ने वहाँ से फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं और अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या करना चाहिए। मैंने मेरे ऑफिस में पूछा लोगों से, जो हमारी कोर टीम थी, बहुत सारे लोगों ने कहा सर इसमें क्या नया है, ये तो हर साल होता है, इसका मतलब क्या है, अब आपका खून पानी हो चुका है, अब आपको ये इसको लेके दर्द नहीं, अब आपने स्वीकार कर लिया है कि यहाँ ऐसा होगा। और अभी भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने वो क्यों उठाया उसको, क्योंकि JNU में तो हर साल ऐसे ही होता है, हर 6 महीने में ऐसे ही होता है, आपको नहीं करना चाहिए था। बट देन दैट टाइम वी डिसाइडेड कि हम इसको उठाएंगे। उसके बाद काफ़ी मुश्किलें हुई, तुरंत आजकल पुलिस केस हो जाते हैं, इंक्वायरियाँ बैठा दी जाती हैं, और फिर ये कह दिया गया कि ये जो टेप है ये डॉक्टर्ड है, हमने इसमें जो ऑडियो है वो कहीं और से बाहर से लगा दिया है, इस तरह के आरोप लगते हैं। फिर आपकी जो पूरी पत्रकारिता है उसको सवाल, उस पर सवाल उठाए जाते हैं और फिर आपको ब्रांड करके फेंक दिया जाता है एक तरफ। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। और उस इंसिडेंट ने मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। जो हिस्सा ये कहता था कि JNU में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मीडिया में, वो अल्पमत में था, आज भी वो माइनॉरिटी में है। और जो मेजॉरिटी है जो मीडिया में, वो ये कहता है कि किसी को कुछ भी कहने का पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट को रात में 12 बजे आप एक आतंकवादी के लिए खुलवा सकते हैं।
तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज तक रात में दो ही बार खुली, एक बार एक आतंकवादी के लिए और एक बार एक सरकार बनाने के लिए। और दो दिन के बाद एक लड़की थी, छात्रा थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट थी, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, शी वॉज प्रेगनेंट, और उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था क्योंकि उसकी अटेंडेंस कम थी, अगले दिन एग्ज़ाम था। वो सुप्रीम कोर्ट गई और उसने कहा कि मुझे इमीडिएटली रिलीफ चाहिए और मुझे आप उनको कहिए कि मुझे इम्तिहान में बैठने दें, बाद में मेरा फैसला होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरफेयर और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आज हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके देखिए और कहिए कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार खतरे में है, मेरे परिवार का या मेरा पूरा करियर खतरे में है, आपको आज रात को अभी सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आपको कहेंगे आप लोअर कोर्ट में जाइए, फिर सेशन कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, फिर 15 साल के बाद हमारे पास आइए, तब आपकी सुनवाई होगी। सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को इनको इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा आजकल मीडिया में कास्ट का नाम और धर्म का नाम हेडलाइन में होता है, और अगर कहीं कोई बच्चा, कोई व्यक्ति मारा गया है तो उसकी जाति क्या है उससे तय होगा कि आपका हेडलाइन क्या होनी चाहिए। अगर वो पिछड़ी जाति का निकला, दलित निकला, कोई ख़ास धर्म का निकला, हेडलाइन बनेगी, लेकिन अगर नहीं निकला तो हेडलाइन नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि मीडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। मीडिया को अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए ये वाली बात, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो नैरेटिव है, इंडिया का जो नैरेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा घर का नैरेटिव है, मेरे घर में कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है, बट इंडिया का नैरेटिव हम सब का नैरेटिव होना चाहिए। इंडिया की स्टोरी हम सब की स्टोरी होनी चाहिए, और अगर हम इंडिया की स्टोरी में विश्वास रखते हैं तो फिर ये एक बड़ी शक्ति बन के जा सकता है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये किताब जो है वो एक टूल हो सकती है, विवेक ने जो फिल्म बनाई वो एक बहुत बड़ा टूल हो सकती है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग हैं उनका भी अगर आप थोड़ा सा लोगों को समझ में आए। और समझ में कैसे आएगा कि आप लोग कंज्यूमर हैं, जिसका आपने समझा होगा कि जो टीआरपी है, टीआरपी के चक्कर में सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं एक खास तरह भटक जाते हैं, और लोग कहते हैं कि क्या करें हम लोग, यही देखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे आज निवेदन ये है कि आप जिस दिन ऐसी सब चीज़ें देखना बंद कर देंगे और जिस दिन आप इन थ्योरीज़ को मार्केट फोर्सेस के ज़रिए डिफीट करना शुरू कर देंगे, ये सारी थ्योरीज अपने आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। 70 साल बहुत बड़ा समय होता है, हमने 70 साल करके देख लिया, लेकिन अब और 70 साल मत लीजिएगा, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने का वक्त आ गया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट विवेक, एंड विवेक बहुत अच्छी बात है कि आपने डबल स्टैंडर्ड वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको मैं डिज़ाइनर पत्रकार कहता हूँ, उनको आपने हेड ऑन लिया, और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ, मैंने विवेक को बोला कि मैं आना चाहता हूँ और मैं आया यहाँ, आप लोगों से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विवेक पीपल लाइक विवेक आई सपोर्ट देम, एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट हिम। थैंक यू।